यूं ही बढ़ते जाएं, कामयाबियां समेटते जाएं। सलूट, एक सलूट। तो मैं खूबसूरत सा शेर कहूंगा, मुस्तकबिल के ख्वाब सजाना मुश्किल है, अब यादों से दिल बहलाना मुश्किल है। कुछ किरदार निभाए इतनी शिद्दत से, मेरा अपने आप में आना मुश्किल है। वाह वाह वाह। अभी वक्त है अपनी तकदीर बदल लो, अभी वक्त है अपनी तकदीर बदल लो, वन भी मई चमक चलो। मुनाफकत मुर्दाबाद, मुनाफकत मुर्दाबाद, मुनाफकत मुर्दाबाद, मुनाफकत मुर्दाबाद, मुनाफकत मुर्दाबाद, मुनाफकत मुर्दाबाद। अच्छा बंदा जरा ना इजी होके बैठना, बिल्कुल डरना नहीं है। Assalamualaikum, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज आप स्कूल क्यों नहीं गई हैं? आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, मेरा स्कूल कराची में है। यकीन करें आप जैसे बच्चों की हर वालदैन को जरूरत है जो स्कूल जाते हुए अपने अम्मी अब्बू को खर्चा दे जाए। लेकिन अल्लाह पाक आपको खुश रखे, यूं ही बढ़ते जाएं, कामयाबियां समेटते जाएं। सलूट, एक सलूट। तो मैं खूबसूरत सा शेर कहूंगा, मुस्तकबिल के ख्वाब सजाना मुश्किल है, अब यादों से दिल बहलाना मुश्किल है। वाह। कुछ किरदार निभाए इतनी शिद्दत से, मेरा अपने आप में आना मुश्किल है। वाह वाह वाह। अभी वक्त है अपनी तकदीर बदल लो, अभी वक्त है अपनी तकदीर बदल लो, वन भी मई चमक चलो। अच्छा मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप पापा की परी है ना? जी। मैं पापा का ढेर तावा हूँ। मैंने एक रिसर्च की है, रिसर्च तशखीस की है, और मैं कामयाब हो गया। कई सालों से मैं एक बीमारी पे तशखीस कर रहा था और उस बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्लड प्रेशर दुनिया की सबसे मुनाफिक बीमारी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब भी हाई होता है गरीब और कमजोर पे हाई होता है, अमीर और ताकतवर पे नहीं। ब्लड प्रेशर किसी माथे पे हाई होता है मगर बॉस पे हाई नहीं होता। आए। तो साबित यह हुआ कि हम अपनी मुनाफकत का इल्जाम ब्लड प्रेशर पे डाल देते हैं। इस पर मैंने एक शेर लिखा है, सामने ताकतवरों के बंद हो जाए जुबान। हाय 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 हाय। सामने ताकतवरों के बंद हो जाए बंद हो जाए जुबान, आए जो कमजोर तो शोला जुबान पे रख लिया। और फिर डरते हैं कोई मुनाफिक ना कहे। अच्छा। और फिर डरते हैं कोई मुनाफिक ना कहे, नाम इस बीमारी का ब्लड प्रेशर रख लिया। गुस्से में जब कोई अपना आप खो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे 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 हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। अजय दर बने एक यूं नाच रहे हैं। क्यों जी? ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया। शीशे के आगे खड़ा होके कहते क्या मैं खूबसूरत हूँ, अगर शीशा कहते किसी की जूती किसी का खुस्सा, वाह वाह, किसी का गुस्सा किसी पे निकालते रहना, तुम इसे जो भी कहो ये समझदारी नहीं। किसी का गुस्सा किसी पर निकालते रहना, तुम इसे जो भी कहो ये समझदारी नहीं, गरीब देखते ही खून गर्म कर लेना, मुनाफकत है तुम्हारी ये बीमारी नहीं। कमजोर को देखते ही बदल लेते हो रंग, हुर हुर डबंग 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 मायरी का वो डायलॉग जिसका सबसे ज्यादा फीडबैक आया, वो सीन जो
पूरे पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा पसंद किया, जो आपको भी ये लगा कि यार आहा क्या बोली हूं मैं, मजाक रात का सेट हो, इतना अच्छा राइजिंग टैलेंट जो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा स्टार बन जाए और हमारी स्पॉटलाइट में आके वो परफॉर्म ना करे? सुनाया जाए आज। आइए, द स्पॉटलाइट इज योर्स। अच्छा, अब ये सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसमें थे साद भाई, साद फरीदी, जो मेरे अब्बा बने मायरी में। मैं हूँ साद, समझे? मैं साद भाई हैं। ये साद भाई हैं। अब साद भाई ने चेयर उठा के फेंकी थी, फिर मैं कहती हूँ, उनके पास आती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या करेंगे आप, मेरी माँ को तलाक दे देंगे? दे दें तलाक। आपने इतनी दफा ये धमकी दी है कि ना ही अब मैं इससे डरती हूँ और ना ही माँ। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा। यस, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ऐना आसिफ, जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में आग लगा दी है। देखते रहिए मजाक रात। क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? बड़े हो क्या? नहीं, अभी घंटे तक अभी जो बनना चाहती हूँ वो हूँ एक्टर। यू आर देयर? नो, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी देयर। लेकिन आपने कहा ना मैं जो बनना चाहती हूँ मैं हूँ वो, एज ए करियर पाथ। इंस्पिरेशन कौन है? कौन है ऐसी लड़की हमारी इंडस्ट्री की जो आपको लगता है कि वो तो नहीं, देखें कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सही बात। लेकिन उनके जैसा, उनके जैसा दो हैं। कौन? यमुना जैदी एंड सबा कमर। अरे क्या बात। तो है ना, एक ही टाइम पर दो प्रोजेक्ट्स ऑफर हो, एक में यमुना जैदी हो, एक में सबा कमर। सबा कमर। क्या बात आलिया, क्या बात। ऑनेस्टी, यू आर गुड। लड़के कौन है सही है जो हीरो वीरो चल रहे हैं आजकल, कौन है सही अच्छा एक्टर? सीनियर या मेरी एज? एक्टर एक्टर ही होता है। आप तो लकी हैं कि इस उम्र में आप आ गई। कौन है एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। सही बात, एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन अगर एक्टर्स में देखूं तो आई लुक अप टू मेल एक्टर्स में बिलाल अब्बास। ओह ओह, एंड यू? ओह, लेकिन मैं, मेरा भी फेवरेट है वो। यू एज़ वेल? और थैंक यू, लेकिन बिलाल, थैंक यू, लेकिन मैंने आपके ड्रामे देख के ना, आपकी एक्टिंग ऑब्जर्व करके आपसे सीखा है मैंने। क्या बात, आप मेरे उस्ताद हैं। अरे ऐ ओ शागिर्दे, जेडी उस्ताद तो ज्यादा सीख गई है। माशाल्लाह, इतना कॉन्फिडेंस है ना जो, आप बहुत कामयाब हो गए बच्चे। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, गुफ्तगू का अंदाज और एक वो अंदर होता ना बड़ापन, उसके अंदर मौजूद है। आज बिस्कुट कहाँ से लिए आपने? नहीं नहीं, अकेली नहीं मिलती यार, इनको बताएं भाईजान आप क्या कर रहे हैं यार। किसी ने ये अकेली नहीं मिलती। हाँ। ये ढोल खरीदो तो साथ बिस्कुट। वो तो मैं कल्ली बिस्कुट ले आया हूँ, पेचे हो जा मुंडा भी जेड़ा इंजन करता। जब भी आप स्कूल जाते हो तो आप तो माशाल्लाह आप स्टार भी हो, जब स्कूल जाते तो लोग हैरत की नजरों से आपके क्लास फेलो। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने स्कूल में, जिस स्कूल में मैं हूँ, स्कूल में मैं 11 सालों से हूँ, तो जब से मैं लाइक आई थिंक किंडरगार्टन नर्सरी से, तो वो सारी टीचर्स ने ना, वो लोग वही हैं, तो वो लोगों ने मुझे बड़े होते हुए देखा है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे भी देखा है, तो अब उन्होंने मेरे भाई बहन को भी देखा है, तो वो सब फैमिली है, उनके लिए कुछ नहीं होता कि मैं स्टार हूँ या क्या। बचपन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा काम की? बचपन तो नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, तो नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि शायद हो रहा है, मुझे नहीं लगता। शूटिंग लेट हो जाए कि आप झूला झूल रही हैं और डायरेक्टर कह रहा है जब इसका मूड बनेगा आ जाएगी? मायरी में आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, मायरी में थे हमारे पास दो झूले, एक था नीचे वाले फ्लोर पे और एक था ऊपर वाले फ्लोर पे। ऐना अगर कहीं नहीं है, मेकअप रूम में नहीं है, कहीं नहीं है, तो झूले पे बैठी हुई है। ये जो ये सब सबको बता था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत ही अहम है, आप बैठी हुई है, कार्टून कौन से पसंद है? मैं बता सकती हूँ, सोच के बताना है, इनके अलावा मिस्टर बीन, और मैंने अभी एक मूवी देखी थी थोड़े दिन पहले, द बॉस बेबी, वो बहुत अच्छी थी, वो भी एक एनिमेटेड मूवी थी,
और टॉम एंड जेरी ऑल द वे. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत क्योंकि मजे आए, मजे आए.